और ऊपर से पानी की बूंदे आ रही है। कहीं भाई अरुण पवार की गाड़ी की स्कॉर्पियन की तरह हमारी भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे बूंदे ही हैं। ये लो थोड़ा सा, तो ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो, ये बात। और क्यों उतरे थे हम, क्यों उतरे थे भाई? मूत्र त्याग के लिए, मूत्र विसर्जन के लिए। त्याग मूत्र का भी तुमने त्याग किया है? वाओ, आप लोग कहोगे यार पूरे रास्ते रास्ते की बना रहे हो वीडियो, लेकिन यार ऐसा मन ही नहीं कर रहा फोन अटकने को। सोंग टोंग ब्रिज आ चुका है दोस्तों, सोंग टोंग रोड काफी मस्त है भाई, रोड की कोई शिकायत नहीं है अभी, ठीक है, रोड में कोई शिकायत नहीं है, एक नंबर चकाचक टू लेन। और सतलुज नदी हमारे साथ साथ, और भाई मोबाइल वर्कशॉप, गाड़ियों का वर्कशॉप भी है भाई यहाँ पर, अगर कुछ हो जाता गाड़ी के साथ तो मिल जाएगा भाई, अभी तक तो आगे का नहीं पता भाई। आगे तो पेट्रोल पंप भी नहीं बताते हैं, बहुत कम है पेट्रोल पंप, तो जहाँ भी अपने को मिलेगा भाई अपन फुल करवा लेंगे, बाकी आधी टंकी तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी फुल करवाना अपना फर्ज है भाई, फंसने से अच्छा है अपना एडवांस रखो भाई। हाँ थार चेक करो गाइस, हाँ मजा आया थार देख के, लाल लाल थार, थार देख के तो सबकी आंखें ऐसे खुश हो जाती हैं, दिल ही खुश हो जाता है, वो भी इस तरह के माउंटेन्स में। Love you, थार। पेट्रोल पंप आ गया भाई, है ना, नाम तो मुझे पता नहीं पेट्रोल पंप का, लेकिन घुसते ही थोड़े से दूर में है। अच्छा ये पोवारी, शिव शक्ति पोवारी, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे करवा लेते, नो रिस्क भाई, क्यों नो रिस्क भाई, 20-21 लीटर तो और आ गया, हाँ 1900 कर दो, 21 लीटर भाई और आ गया धनों में, कितना पी लेते हैं। नाको तक बता रहे हैं कि ऐसा ही रोड मिलेगा, अभी पेट्रोल पंप से पूछा, उसके बाद सही गलत, सही गलत। उसके बाद सही गलत, सही गलत, वो आपके मायनों में क्या है वो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, बाकी इन्होंने बताया सही गलत, सही गलत। तो भाई फुल टैंक हो गया फिर से फ्यूल, और सतलुज नदी और जल जीवन मिशन, भाई यहाँ पर जल की थोड़ी कमी है क्या? आपको तो डूबा के मराई देगी, इतना जल अपने को डूबना नहीं है, ना जाने कुछ छूट रहा है ये बात। भाई हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है यहाँ पर, चितकुल में भी हो सकती है, तो अपना जुगाड़ साथ लाए, पानी पीते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने पानी नहीं पिया तो ये मान के चलो आपके साथ डेफिनेटली हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होगा ही होगा, तो टैबलेट्स भी मिलती मेडिकल पर, तो वो लेके जरूर आए। ससा ससा सा गा रा 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 रा, व्यूज ही व्यूज है यार यहाँ पर ना, दिल खुश हो जाता है, आपको ड्राइविंग अगर एक्सपीरियंस है और आपको ड्राइविंग में आता है मजा, तो आप बिल्कुल आ जाइए अपनी गाड़ी उठा के। अभी यहाँ से एक अकपा, अकपा है या अपा, उसको अपा प्रोनाउंसिएशन कैसे करते पता नहीं, वो 2-4 किलोमीटर के बाद आ जाएगा, और ऊपर से पानी की बूंदे आ रही है, कहीं भाई अरुण पवार की गाड़ी की स्कॉर्पियन की तरह हमारी भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे बूंदे ही हैं। ये लो थोड़ा सा, तो ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो, ये बात। आगे कोई डंका झरना आएगा ना वो वाला, तो आप टेस्टिंग करेंगे भाई अपनी गाड़ी की, कि हमारे भाई स्कॉर्पियन में तो आ गया था छत से, पर हमारे कहीं से और से आता है, चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे, बने रहो वीडियो में, व्लॉग में बने रहो, या तो अगले वीडियो में आएगा इसी में आ जाएगा। हो गए, कौन सा ब्रिज आ गया भाई, देख लो मार रहे अत्र, हमें तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करना आता यार, ये तिब्बतन लैंग्वेज है शायद इधर की, तो समझ में नहीं आता भाई, देख लो भाई व्यू देख लो, बीआरओ ने मतलब कई जगह अच्छे अच्छे स्लोगन लगा रखे, अलग अलग रिपीट नहीं करता बीआरओ यार स्लोगन भी, क्या पता कौन सा राइटर है जो लिखता है यार इनके। जी भाई लोकल यहाँ की बस, और भाई ये देखो नन्ने मुन्ने बच्चे, स्कूल बस नहीं है यार ये, नन्ने मुन्ने बच्चे बैठ रहे हैं,
ध्यान से चलाया करो भाई यहाँ पे, वरना कोई गाड़ी यहाँ से आपकी उठा के भी ले जाने वाला नहीं है, है ना। बाकी स्पीड तो यहाँ पर अच्छी चल रही है, इसी वजह से इसकी गाड़ी का ये हाल हुआ है। देखो कहीं डेड एंड है नीचे। तो भाई आ गया, ये तो पानी का झरना, पाइप ही आ रहा है, झरना तो नहीं है। और यहाँ पर तो अपनी गाड़ी जा नहीं सकती, वो झरना कहाँ आएगा मुझे अभी आइडिया नहीं है। वहीं पे गाड़ी को धोएंगे, गाड़ी को भाई यहाँ लगाया है। और एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ये पहाड़ देख रहे हो आप, ये पहाड़ देख रहे हो, एक चीज़ दिखाऊँ अब, ये देखो एक छोटा सा बोर्ड, ये देखो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई, समझ रहे हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहीं सोच रहे हो कि ऐसे ही है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। नंबर भी दे दिखा दिया आपको, जो चाहिए खरीदनी हो तो खरीद लो। और ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। और जहाँ ये देखो यार व्यू देखो यार आप, और दूसरा एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ से कू है 14 किलोमीटर, और ये कौन सा कौरिक कौ, और क्यों उतरे थे हम, क्यों उतरे थे भाई, मूत्र विसर्जन के लिए, त्याग मूत्र का भी तुमने त्याग किया है, वाओ। तो भाई इस बार ड्राइवर हो गया चेंज, इस ट्रिप में दूसरी बार गाड़ी दी जा रही है इस स्पीति वैली में, क्योंकि रोड थोड़ा ठीक था, मैंने कहा दे देते हैं, अभी देखते हैं भाई आगे क्या क्या करता हुआ दिखाता है। गाड़ी की स्पीड 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मैं चल 60 ज्यादा लगाइए सीट बेल्ट, बिल्कुल। और भाई आप मेरा फेस देख लो, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, सही कह रहा भाई, ये व्यूज देख लो दोस्तों। यहाँ पर बीच बीच में नेटवर्क गायब हो जाता है, अभी ना तो जियो में आ रहा और ना ही एयरटेल में आ रहा है, और ज्यादातर यहाँ पर जियो चलता है, ठीक है, जियो ज्यादातर चलेगा आपका, एयरटेल बिल्कुल भी मतलब 50% एयरटेल चलेगा, ज्यादातर आपका जियो ही चलेगा। तो जियो के जियो सिम के ग्राहक, जियो कंपनी के ग्राहक स्पीति घूमने अच्छे से आ सकते हैं। तो भाई ये आ गया डबलिंग विलेज, इसकी 5000 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। और ये अपनी धन्नो है, धन्नो तो है ही। अब यहाँ पे चेक पोस्ट आ गई थी पुलिस की, चेक पोस्ट पे क्या ही करते हैं, पता ही होगा आपको, पहाड़ों में तो सिर्फ नाम और नंबर आपका एड्रेस वगैरह नोट कर लेते, ताकि आप कहीं खो जाओ तो फिर आपको पकड़ लें, ऐसे जैसे भी कर लें तो पीछे किया तो यार गाड़ी यहाँ तक आएगी नहीं है। हाँ, और ऐसे ड्राइवर आप जाते हैं ना तो ज़रूरी होता है सब। देख रहे हो भाई पहाड़ लद्दाख से भी भयंकर, ये शीशा साफ नहीं है यार, शीशा रोक साफ करना ही पड़ेगा, रोक के करेंगे। अभी मालिंग वन विभाग की जो सीमा है ना वो शुरू हो चुकी है ना, और अभी भी 4 घंटे 24 मिनट का रास्ता है। देखो भाई ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, थर्ड गियर में नहीं चलता भाई इतनी स्लो स्पीड में, थोड़ा स्पीड सेकंड गियर में चलाओ फिर थर्ड में, नहीं नहीं मैं बात थर्ड गियर में इतनी स्लो स्पीड में फिर चढ़ नहीं पाएगी, सेकंड गियर चल रहा है और चढ़ पाएगी फिर चाहे कितनी स्लो स्पीड हो, ठीक है। और थर्ड गियर में अगर स्लो स्पीड करेगी तो 20-25 तो चढ़ेगी नहीं भाई, मेरे लिए एक्सपर्ट ड्राइवर को तुम ऐसा नहीं कह सकते, फास्ट ड्राइवर एक्सपर्ट बहुत बेकार ड्राइवर तेरी, कभी देखा है भाई इतना ऊंचा पहाड़ है, और ये चारों तरफ ही है, ऐसा नहीं है देखो हमारे ऊपर भी है ये पहाड़। अरे भाई आप लोग कहोगे यार पूरे रास्ते रास्ते की बना रहे हो वीडियो, लेकिन यार ऐसा मन ही नहीं कर रहा फोन अटकने को, देख लो आप यार व्यू देखो आप, हाँ अरे धनों के साथ देखो आप व्यू, मेरी आवाज कितनी क्लियर आ पा रही होगी मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, और माइक टेस्टिंग मेरे को करनी नहीं आती। हेलो हेलो माइक चेक, व्लॉग्स इस तरह के बनाता हूँ भाई मैं, और इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, मेरा हेयर स्टाइल हेयर कट कैसा लग रहा है ये देखो, ये चेक करो हेयर स्टाइल का, ये चेक करो, ये चेक करो गाइस,
ऐसे रास्ते सचमुच सचमुच सतलुज नदी भाई बहुत ऊपर जाना है, भूख लग गया है तो भाई बिस्किट निकाल लिए और अब एक चीज चेक करवा दूं। नीचे दिखते जा रहे, नीचे आते हुए जा रहे हैं। लगभग हमने पहाड़ों को ना कर लिया है कवर, देख रहे हो पूरी जो पीक्स है ना वहाँ गई है। नाको लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है और नाको में जो कैंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर जाने की भी प्लानिंग है, वहीं पर कैंप सेटअप होगा आज का, जहाँ तक हमारी प्लानिंग यही हो रही है। बाकी तो क्या होगा वो तो भगवान भरोसे है, रब भरोसे है, ठीक है जी, और अभिनव के भरोसे। देख रहे हो लालिमा सनसेट होने वाला है और ये लालिमा के साथ ये वाइट वाइट पहाड़ स्नो के, यार ये देखिए, ये चेक करो गाइस, चेक करो गाइस, ये चेक करो भाई, ये चेक करो, क्या बात है यार, स्नो माउंटेन स्नो पीक्स यहाँ पर लगने लग रही बर्फीली हवाएं और अब शीशा ऊपर कर देते हैं। आज भोलेनाथ से मिलेंगे, भोलेनाथ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है हवाएं। सो गाइस फाइनली नाको में हैं हम, नाको पहुंच चुकी है हमारी दन्नो, नाको पहुंच चुकी है, देख लो भाई नाको। और ये जो हेलीपैड आपको दिख रहा है, ये जो हेलीपैड आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं भाई। और चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियाँ हैं और ये नीचे सीडीनुमा खेत जो होते हैं, ठीक है दिखा देता हूँ थोड़ा पास से, ये कैंपिंग साइट्स हैं, मतलब कैंपिंग साइट तो क्या कहे, लेकिन लगा सकते हैं अपन कैंप। और हमारे जो फ्रेंड्स थे जो हमें मिले थे वो आगे निकल के एक बार उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये तो देखी जानी जगह है भाई। और यहाँ से ग्राम पंचायत नाको, ये देखिए ग्राम पंचायत नाको शुरू हो जाती है, नाको एक विलेज है। आजा अभी पहुँच नहीं पाएंगे, और यहाँ से समदो है 30, सलखर है 22 किलोमीटर, चांगो है 17, और फिलहाल नाको में है भाई, चारों तरफ स्नो माउंटेन्स और गाड़ियाँ भी यहीं खड़ी हैं यार ना लोगों की, तो यहाँ पे होटल्स भी हैं, मुझे लगता है ये पहले सही रहेगा कैंपिंग के लिए। बाकी आगे चल के बात करते हैं उनसे क्या हो सकता है यार।